and said slow, hey, you know you should stay for the night. Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to my channel. So, as you guys must have read the title by now, we are entering a new studio and I'm seeing it for the first time. दोबारा बार आके मैंने एंट्री शॉट ली है. सो दिस इज गोइंग टू बी आर न्यू स्टूडियो यू गाइज, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज व्हाई आई एम शिफ्टिंग एंड व्हाट आर द रीजंस. सो वेट फॉर इट टिल द एंड ऑफ द वीडियो. बट दिस इज व्हाट वी सी व्हेन वी एंटर द स्टूडियो, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शिफ्टिंग. एज यू गाइज कैन सी, वी हैव आवर छोटा सा काउच एंड टेबल हियर एंड सम स्टफ हियर. सो वी हैव दिस बिग रूम हियर, एंड द मेन रीजन आई वॉन्टेड टू शिफ्ट वॉज बिकॉज ऑफ लाइटिंग, एंड हमें वो स्पेस भी कम पड़ रहा था वहाँ पर. सो वी हैव दिस ह्यूज विंडो हियर जो कि सारे ओ टी डी सब कुछ इस साइड होने वाला है बिकॉज वी नीड नेचुरल लाइट फॉर दैट. एंड आई एम गोना शो यू गाइज द बैल्कनी. दिस इज द बैल्कनी एंड इट्स प्रिटी अमेजिंग. थोड़ा साफ करने की जरूरत है इसको. वी विल गेट इट क्लीन. And we have white walls here and looks pretty amazing. We can get really good selfies here and really good shots here. So सब कुछ shots और उससे related होता है हमारे head में, किधर light अच्छी है, किधर shot अच्छा आएगा. But we यहाँ पर हमारे आने से पहले ये table यहाँ पर था. So हम सोच रहे इसको रखें कि नहीं. Comment down below, should we keep this or no? And then we also have this couch here. And yeah, look at this beauty. ये ठीक हो जाएगा सब कुछ guys. सब कुछ चेंज होने वाला है कुछ टाइम पे. एंड या देन मूविंग ऑन, इसके बिल्कुल साथ में ये रूम है. एंड ये पहले वाले रूम से थोड़ा सा छोटा है, बट दिस इज सो क्लीन एंड सो क्रिस्प. मोस्टली यहाँ पर हम वैसे इन दोनों रूम्स को फिल्मिंग रूम और ऑफिस ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि पीछे के दो रूम्स हैं ना वो ज़्यादा कोजी हैं और वहाँ पर लाइटिंग इतनी है नहीं. सो वी कैन जस्ट स्लीप आराम से देयर और इफ यू वांट टू रेस्ट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर. एंड ये बैल्कनी कनेक्ट हो जाती है दूसरे रूम के साथ. सो सेम बैल्कनी एंड देन वी हैव दिस छोटू सा वॉशरूम हियर विच इज़ नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ. ओके, सो मैंने दोनों रूम्स इधर दिखा दिए, इधर और इधर था. अब हम इधर से मेन एरिया है यहाँ पर, दिस ह्यूज एरिया. देन वी हैव अ किचन हियर जो आपको स्नीक पीक मिलेगा, क्योंकि ये भी अच्छी नहीं है अभी, इसको भी थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज कराना पड़ेगा. एंड देन वी कम हियर. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा आई नो, बट जस्ट बेयर विद मी. यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट किचन के यहाँ पर एक छोटा सा रूम है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डार्क बट इट्स ऑल ब्लू, एंड हम इसका कलर चेंज करवाने वाले हैं. एंड इसी रूम से कनेक्टेड है वन मोर रूम. दिस इज़ अनदर रूम एंड इट्स ऑल्सो ब्लू, और इसको हम वाइट करवा देंगे, और ये वुड को भी हम सब कुछ वाइट करवा देंगे. एंड देन वी हैव, इससे पता लगता है वी जस्ट शिफ्टेड टुडे. एंड यहाँ पर एक रैंडम टेबल पड़ा है, हम इसको फिगर आउट करेंगे कि हमें चाहिए कि नहीं. देन वी हैव अ वॉशरूम हियर, एंड इसके बाद ये भी बाहर कनेक्ट होता है सेम जैसे पहले था. ये हमारी पहली वाली बालकनी के जितना है, ठीक है स्पेस. आई थिंक इट्स, वी गोना हैव चाय हियर, यू विल सी. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रूम के बिल्कुल साथ में वी हैव वन मोर रूम, एंड इसकी हालत बहुत बेकार है क्योंकि सब बेड्स वगैरह सब कुछ अभी इधर पड़ा है. सो बेयर विद अस प्लीज. एंड वही सेम बैल्कनी उधर से कनेक्टेड है जो पीछे रूम में मैंने अभी दिखाई थी. एंड देन वी हैव एक छोटा सा सीक्रेट एरिया. मेरे को ना थोड़ा सा थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा, थोड़ा भूल भुलैया टाइप लग रहा है, बट वी हैव दिस सीक्रेट एरिया. जब भी मेरी दीक्षा से लड़ाई हो जाएगी या मुझे किसी से बात नहीं करनी होगी, मैं इस रूम में घुसूंगी और बैम. ओके, वी हैव दिस ऐसे छोटू सा एरिया, एंड दिस इज द बिगेस्ट वॉशरूम. आई थिंक हमारा जो वो पहले वाला रूम था वो इतना ही था जितना ये वॉशरूम है. सो काफ़ी अपग्रेडिंग टू अ सर्टन लेवल. दैट्स अबाउट इट गाइज. होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड डैड भी आए हुए हैं. पापा श्री, अब वो कैसा लगा? खुला खुला है, अभी पेंट करवाना अंदर. खुला खुला है तो करवाओगे ना, अभी तो थोड़ा बहुत काम चलते ही रहेंगे. बट लाइटिंग वगैरह इज प्रिम एंड प्रॉपर, एंड एज यू कैन सी अभी भी शिफ्ट हो रहा है, अभी भी सामान आ रहा है. ओके गाइज, दैट वॉज इट. एंड मुझे पता है अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट थोड़े टाइम जब आप साथ में रोज़ देखने लग जाओगे ब्लॉग्स, तो आई थिंक धीरे धीरे सब कुछ सेटल डाउन होता रहेगा और हर चीज़ और बेटर लगने लग जाएगी और समझ आने लग जाएगी. बट वी आर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट वी आर शिफ्टिंग हियर. एक तो ये हमारे घर के और पास है, इट्स लाइक 2 मिनट्स अवे, आई कैन जस्ट वॉक एंड रीच द प्लेस.
सेकेंड ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी वेरी बिग एंड द लाइटिंग इज मच मच बेटर. पहले वाले जो स्टूडियो में माई लाइटिंग उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है. या होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय. Till